ऐसा नहीं है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अरे ये टूटा हुआ है गाइस। क्या यार, मेरे को टूटा हुआ प्रोडक्ट चिपका दिया। इधर प्रॉपर ऐसा है एंड इधर ये चीज सेम चीज टूटी हुई मिल गई अपने में। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट एंड आई होप आप सभी लोग एक वीडियो घर से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, कहीं बाहर हो, कहीं घूम रहे हो, तो भाई सेफ रहो, हाइजीन मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, दैट्स इट। तो गाइस थंबनेल से आप लोगों को समझ गया होगा कि आज की वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं एंड टाइटल भी से समझ गया होगा। एंड आई गेस आई शुड स्टार्ट दिस वीडियो एंड बाय द वे ये सेकंड एपिसोड भी हो जाएगा अनबॉक्सिंग का, सो चलिए शुरू करते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल वीरेंद्र तिवारी लेकर आया हूँ दो तीन नए प्रोडक्ट्स, तो चलिए शुरू करते। थोड़ा शोर मचाएं। सो गाइस आई अज्यूम कि आप लोगों को ये सब चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर ये माइक है, ये पावर बैंक है एंड ये ट्राईपॉड है। तो सबसे पहले इस सभी चीज़ों की अनबॉक्सिंग हो गई एंड ये मेरे बाल अपने बाजू में करो बिकॉज वो सीन जैसे दिखते हैं बहुत बढ़ गए भाई, कुछ नहीं कर सकते। कटवाना नहीं है, बढ़ाना है एंड मैं थोड़ा सा फ्रेम में एडजस्ट हो जाता हूँ बिकॉज वो मुंडी कटती रहेगी बीच में, सो ऐसे बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या अनबॉक्स करें, तो ये है पावर बैंक। तो पावर बैंक को अनबॉक्स करते बिकॉज ये अभी तक बॉक्स में, इसलिए मैं अनबॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये इसका कुछ तो पैकेजिंग है रेड कलर का, ये देख सकते हो अगर आप लोग, ये रेड कलर का अलग कलर का। तो इसको अपन निकालते हैं। नहीं नहीं शायद नीचे नहीं, मैं इसको नीचे से निकालता हूँ। रुको, से निकल गया है एंड अपने को, हाँ निकल गया। एंड ये अपना प्रोडक्ट ये अपना प्रोडक्ट है एंड ये इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड ये इसका बॉक्स एंड अपना माल इधर है। मेरे को लगा इसके साथ एक वायर मिलेगा यार। ये अपना माल है एंड ये पावर बैंक है स्पेसिफिक। तो ये अपना MI का पावर बैंक है एंड इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता दो आप लोगों को, ज़रूरी स्पेसिफिकेशंस। तो 10,000 mAh मच्छर जानलेवा हो सकता है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो ये MI का पावर बैंक एंड ये है 10,000 mAh का एंड 18V फास्ट चार्जिंग के साथ ये अपने पास आ चुका है। एंड इसका अगर मैं प्राइस बता दूँ तो कुछ तो हज़ार रुपया है, 900-1000 में मुझे कुछ पड़ा है ये। एंड मेरे को लग रहा था इसके बाद कुछ वायर मिलेगा, शायद आया होगा, तो लेट मी चेक। हाँ है तो एक बॉक्स इसमें। ये खुलता था गाइस, ये खुल रहा है, ये देखो ये खुल सकता था, ये इधर ऐसा लगा हुआ है, ये खुल सकता था एंड ये वायर मिल गया अपने को इसके साथ। एंड ये आईफोन का है? नहीं आईफोन का नहीं है। एंड ये चालू कहाँ से होता है? ये इधर इसका, ये एक अच्छा हो गया कि दो केबल इसमें, मतलब एक टाइम पे दो फ़ोन चार्ज हो सकता है इसमें। तो मेरे को तो मेन आईफोन के लिए मैंने लिया एंड ये बटन दबा के ये लाइट आ गया इधर, आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है? तो देखते हैं, मैं चार्ज करके देखता हूँ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो ये मैंने लगा दिया फ़ोन में एंड चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होगा ऑब्वियसली, इसमें कितना चार्ज है मेरे को पता नहीं क्योंकि इसको भी चार्ज करना पड़ता है एंड इसमें लाइट पेट रहा है, मतलब लाइट चालू है एंड ये चार्ज भी हो रहा है। अगर आप लोगों को दिखता होगा इधर रेड लाइट है। तो पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल है अपना एंड आई एम हैप्पी कि ये चार्ज हो रहा है एंड ऐसे हमेशा होते रहे होगा ऑब्वियसली। एंड सेकेंड थिंग इज माइक, ये पूरा अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं, सिर्फ इतना सा बाकी है। एंड ये वायर मैंने सुना है इसका कंप्लेंट, और पहले वाला भी जो मेरा वायर था वो छोटा हुआ करता था, सो आई डाउट कितना बड़ा ये वायर है एंड मैं अभी इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ एंड फिर मिलता हूँ। तो अभी जस्ट मैंने इसको इधर पिन करा है बट मैं सोच रहा हूँ इसको अंदर से डालने के लिए वायर, बट मेरे को ये लेंथ का डाउट है। बट अपने पास और एक कनेक्टर है, ये इसमें मैं अपना सब सामान रखता हूँ जैसे पेन ड्राइव है, कनेक्टर हो गया, ऑक्स केबल हो गया। तो ये कनेक्टर अभी हाल ही में मैंने लिया फॉर 500 rupees विथ नो वारंटी एंड वो एकदम नया प्रोडक्ट है एंड मैं इसमें ये कनेक्ट कर देता हूँ एंड देन आई
लाइक अभी ये मेरा जो भी वॉइस है ये बिना माइक के, तो अभी मैं इधर कनेक्ट कर दूँ एंड आपको समझ जाएगा क्या आवाज़ है, ठीक है। सो ये मैंने कनेक्ट कर लिया, मैंने माइक इधर लगा लिया है एंड वो कनेक्टर से मैंने कनेक्ट कर लिया मेरे आईफोन में। एंड ये वायर भी अच्छा खासा है, मतलब बड़ा है, मैंने इसको अंदर से डाला उसके बावजूद ये इतना हवे में है। नहीं अभी फ़ोन खींचा राइट, तो थोड़ा मतलब है, एडजस्ट कर लूँगा मैं। और इतना एंगल में वीडियो बन रहा तो और क्या चाहिए, मैंने हमेशा क्लोज एंगल में ही वीडियो बनता। एंड आप लोग को भी माइक का डिफरेंस समझता रहेगा, पहले नॉर्मल इसमें एंड अभी जब माइक में बात कर रहा हूँ मैं। सो आप लोग को डिफरेंस समझता होगा, नहीं समझता होगा तो शायद कुछ सेटिंग होगा, मेरे को चेंज करना होगा, अंदर जाके फ़ोन में देखूंगा यूट्यूब वीडियोस एंड चेंज कर लूँगा। एंड अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को अंधेरे के पहले ये वीडियो शूट करना है एंड उसके बाद मेरा 6:30 या फिर 7 o'clock को मीटिंग भी, मतलब मीटिंग नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइव मीटअप होता ना काइंड ऑफ, वो है रॉनी द रॉनी शो के साथ मेरा एंड मेरे कुछ दोस्तों का, हम सब उस मीटअप में है एंड वो पॉसिबल हो पाया 197 एंटरटेनमेंट के कारण। एंड वो लोग के साथ ही मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ ये कुछ आने वाले महीनों में, एंड उसके बाद भी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है अपना ट्राईपॉड, गोरिल्ला ट्राईपॉड। एंड ये ऐसा नहीं है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये टूटा हुआ है गाइस, ये दिख रहा है आप लोगों को क्या यार, मेरे को टूटा हुआ प्रोडक्ट चिपका दिया। होगा यार कुछ गलती हो गया रहेगा शायद वो लोग से, बट टूटा हुआ प्रोडक्ट कैसे मिल गया, मतलब कैसे यार, मतलब समझा नहीं मेरे को। आई एम शॉक कि मतलब इसको ऐसे टूटा हुआ चीज कैसे मिल गया, मतलब ये अभी मैं इसको ठीक है, मैं अभी तो भी आपको सेटअप करके बताता हूँ, बट ये होगा ही नहीं, ये लगेगा ही नहीं गाइस। मतलब ये देखो ना, ये इधर प्रॉपर ऐसा है एंड इधर ये चीज़ सेम चीज़ टूटी हुई मिल गई अपने को, मतलब अभी लगाऊंगा किसे मैं ये, ठीक है लगा के देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अरे लग नहीं रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग गया, लग गया, लग गया ये, बट प्रॉब्लम देगा मेरे को ये वापस करना पड़ेगा। एंड नहीं ये बहुत बहुत नाजुक है। एंड ये एक्चुअली इसका प्राइस, माइक का प्राइस मैं आपको बताया, माइक का प्राइस है कुछ 300 के अराउंड, सो समझ लो कितना सस्ता है, मेरे को वो 300 में पड़ा, और भी सस्ते सस्ते अवेलेबल है तो आप लोग देख लो जाके। एंड ये मैं सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। एंड एक काम करते हैं, ये बाकी सब तो ठीक है गाइस, बाकी सब तो सही है, मैं काम करता हूँ इस पर ऐसा इसको लेता हूँ। एंड देखो इस तरह कुछ हैगा, ये ऐसा इसका स्टैंड है, बाकी सब तो ठीक है। मेरे पास ऐसा था इसलिए मैं फिर से मैंने मंगाया ये, मेरे पास ऑलरेडी ऐसा था। एंड इसका कुछ प्राइस 700 के आसपास है, 600-700 के आसपास, मैं इसको माउंट करता हूँ एंड फिर आप लोगों को बताता हूँ। सो ये मैंने माउंट कर लिया है, बट ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये बहुत अजीब लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सीन है एग्जैक्टली, बट ये टूटा हुआ पार्ट मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको जल्द से जल्द अभी इसको वापस करना चाह रहा हूँ। आई एम स्टिल शॉक कि मेरे को ऐसा टूटा हुआ चीज़ कैसे मिल गया, आज तक नहीं हुआ है बट पहली बार हुआ है, ठीक। तो आप लोग आसानी से देख सकते हो इसके अंदर का स्क्रू व्यू प्रॉपरली, ये टूटा हुआ मिल गया अपने को यार, अजीब लग रहा है मेरे को सच्ची में, मेरे को आई कांट बिलीव कि मेरे को कुछ चीज़ टूटा हुआ मिल गया, मिल सकता है ऐसा नहीं बट ठीक है कोई नहीं, अपने को वापस करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट इंडिया में से अगर कोई देख रहा है तो भाई देख लो यार। तो अच्छा हुआ मैंने अनबॉक्स कर लिया एंड मेरे को समझ गया कि ये सब लाइक। सो गाइज एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि अपन ने आज ही अनबॉक्स कर लिया, मैं और एक दो प्रोडक्ट आने वाला था, मैं सोचा कि वो जब आएगा तो एक साथ सब अनबॉक्स कर लूँगा, बट अच्छा हुआ मैंने आज अनबॉक्स कर लिया एंड मेरे को समझ गया कि ये टूटी हुई चीज़ मिल गई है। सो थैंक्स टू मी एंड थैंक्स टू दीदी अगेन, उसी ने मेरे को बोला कि अनबॉक्स कर ले, रुक मत, एंड वैसे भी कैसा हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए एट लास्ट। सो बस वही हो गया, मज़ा आया, बाकी सभी चीज़ें एकदम अच्छी है, वो तो मैं अभी सब चीज़ को प्रॉपर टेस्ट नहीं करूँ, बट आने वाले टाइम में समझ जाएगा जो भी है एंड माइक भी समझ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड बताइए कैसा लगा वीडियो, ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो और अच्छा और आएगी अपनी तरफ से तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। एंड उसके लिए आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी कमेंट कर दो ताकि फिर अपने को चीज़ें ऑर्डर करें हम एंड फिर अनबॉक्सिंग करें, ठीक है। तो बस इतना ही, मूड अच्छा था अपना एंड अभी भी अच्छा है, बस ये एक सीन है एंड मेरे को लग रहा था ये फटाफट अच्छा हो जाए तो अपने को एक वीडियो शूट करना था अच्छा वाला, बट ठीक है मैं इसको चेंज कर रहा था अभी एंड आप लोगों को बता दो अगले वीडियो में चेंज हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा बाय।